नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश का बढ़ा टेंशन, बिहार के ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने का दिया निर्देश। फर्जी ई पास बनाने वाले गिरोह का खुलासा, एसडीओ के गाड़ी का भी बना डाला ई पास। 5 जालसाज चढ़े पुलिस के हत्थे। बिहार में इलाज और दवा मिले न मिले, मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर मिल जाएगा। सरकार मेल और डाक से भेज देगी डेथ सर्टिफिकेट। पप्पू यादव के लेटर से बैकफुट पर आई नीतीश सरकार, पटना नहीं फिलहाल डीएमसीएच में ही चलेगा इलाज। बिहार में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस, पटना में 5 और मरीज मिले। बिहार में ऑक्सीजन संकट दूर करने में वायुसेना निभा रही है बड़ी भूमिका, विशेष विमान से पहुंचाया जा रहा है सिलेंडर और कंसंट्रेटर। बिहार में प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा विशेष अनुदान का लाभ, रोजगार देने को जिलावार समीक्षा शुरू। बिहार में कोरोना संकट के बीच अब बाढ़ को लेकर चिंता, 26 जिलों में अलर्ट, इंतजाम में जुटा प्रशासन। कोरोना की तीसरी लहर और होगी खतरनाक, बिहार के 3.5 करोड़ युवा और बच्चे हो सकते हैं बीमार। 12 जून को बिहार में दस्तक देगा मॉनसून, आज से बढ़ेगा तापमान। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब देश के ग्रामीण इलाकों में फैल रही है। वायरस शहर से गांव की ओर बढ़ चला है, ग्रामीण इलाकों में लोग इलाज के अभाव से दम तोड़ रहे हैं। बिहार में भी अब खतरे की घंटी बज गई है। हालात को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया है। शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 जिलों के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्थापित डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उसकी समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिए। डीएम और एसडीओ के फर्जी हस्ताक्षर कर वाहनों का ई पास बनाने का मामला रोहतास में सामने आया है। आपदा की घड़ी में अवसर तलाशने वाले 5 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन जालसाजों ने डिहरी के एसडीओ सुनील कुमार की 2 गाड़ियों का भी फर्जी ई पास बना डाला। इन जालसाजों ने लॉकडाउन का खूब फायदा उठाया। फर्जी ई पास बनाने के लिए जालसाज लोगों से 500 से लेकर 1500 रुपये तक लेते और डीएम और एसडीओ के फर्जी हस्ताक्षर कर ई पास निर्गत किया करते थे, जिसका लोग भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया करते थे। डिहरी के सुभाष नगर और थाना चौक में इन 5 जालसाजों की गिरफ्तारी हुई है। गौरतलब हो कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने पूरे बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया है। इसके तहत सड़कों पर निजी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी वाहनों के लिए ई पास की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन की जाँच के बाद ही ई पास निर्गत किया जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों का ई पास नहीं बन पाया, उन्हें जालसाज अपना शिकार बना रहे हैं, पैसे लेकर फर्जी ई पास जारी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला रोहतास के डेहरी में उस वक्त सामने आया जब जालसाजों ने एसडीओ की सरकारी गाड़ी का ही ई पास बना डाला। फिर क्या था, एसडीओ ने कार्रवाई करते हुए 5 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से कंप्यूटर लैपटॉप जब्त किया गया है, साथ ही इनकी दुकानों को भी सील कर दिया गया है। कोरोना की भीषण महामारी के बीच बिहार में अगर आपको दवा इलाज नहीं मिल पा रहा है तो सरकार को बहुत टेंशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, सरकार किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके डेथ सर्टिफिकेट को समय पर उसके परिजनों तक पहुंचा जरूर देगी। सरकार ने फैसला लिया है कि अब मेल और डाक से डेथ सर्टिफिकेट मरने वालों के परिजनों को भेज दिया जाएगा। बिहार में पिछले 1.5 महीने से कोरोना का कहर बरस रहा है। सरकारी आंकड़े कोरोना से जितनी मौत की जानकारी दे रहे हैं, शमशान से लेकर कब्रिस्तान में उससे कई गुना ज़्यादा सब पहुंच रहे हैं। लिहाजा सरकार को फिक्र है कि मरने वालों का डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। सरकार के नगर निगम विभाग ने तय किया है कि अब मोबाइल के मैसेज, ईमेल और रजिस्टर्ड डाक के जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। पूर्व सांसद पप्पू यादव को दरभंगा के डीएमसीएच से पटना रेफर किए जाने के फैसले पर फिलहाल रोक लग गई है। फिलहाल पप्पू यादव का इलाज डीएमसीएच में ही जारी रहेगा। दरअसल पप्पू यादव को मेडिकल बोर्ड ने पटना के पीएमसीएच स्थित आईजीआईएमएस से इलाज के लिए रेफर किया गया था। पप्पू यादव को पटना लाने की प्रशासनिक तैयारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन खुद पप्पू यादव डीएमसीएच में ही इलाज कराना चाहते थे।
प्रशासन के दबाव को देखते हुए पप्पू यादव ने आखिरकार डीएमसीएच अधीक्षक को एक पत्र लिखा। पप्पू यादव ने इस पत्र में डीएमसीएच अधीक्षक को कहा कि वह डीएमसीएच में ही अपना इलाज कराना चाहते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह यात्रा कर सके। इन परिस्थितियों में अगर उन्हें पटना भेजा जाता है और कुछ बुरा होता है तो इसके जिम्मेदार डीएमसीएच अधीक्षक होंगे। पप्पू यादव के लेटर के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आनंद फानन में पटना रेफर करने का फैसला वापस ले लिया गया है। पप्पू यादव का इलाज अब दरभंगा के डीएमसीएच में ही चलेगा। डीएमसीएच के अधीक्षक ने कहा कि पप्पू यादव को हार्ट में थोड़ी सी परेशानी है जिसका एडवांस चेकअप पटना में ही संभव है। फिलहाल पप्पू यादव का इलाज डीएमसीएच में ही जारी रहेगा, लेकिन आगे उन्हें इलाज के लिए पटना भेजा जाना जरूरी है। बिहार के लोग अभी कोरोना वायरस से पूरी तरह उभरे भी नहीं कि ब्लैक फंगस के आतंक ने दहशत का माहौल बना दिया है। राजधानी पटना में फिर से ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस के 5 और संक्रमित मिले हैं। इनमें 4 पटना और 1 मरीज मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। इससे पहले पटना एम्स में 3 मरीज मिले थे। एम्स के नोडल अफसर डॉक्टर संजीव कुमार के मुताबिक शुक्रवार को जो 3 मरीज भर्ती हुए हैं उनकी उम्र 30 से 45 के बीच है। इनमें 2 शुगर से पीड़ित थे। एम्स में अब तक ब्लैक फंगस के 10 मरीज भर्ती हो चुके हैं। इसके पहले IGIMS में 2 और पारस हॉस्पिटल में भी 2 मरीज भर्ती हुए थे। रूबन मेमोरियल में भी 2 मरीज भर्ती हैं। इनमें 1 महिला और 1 पुरुष है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी इस बीमारी की दवा नहीं मिल रही है। उधर नेत्र रोग विशेषज्ञों के प्राइवेट क्लिनिकों में भी कोरोना से ठीक होने के बाद रोशनी कम होने की शिकायत लेकर प्रतिदिन मरीज पहुँच रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर में ऑक्सीजन की खपत बढ़ने के बाद इसकी डिमांड अचानक बढ़ गई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है। कोरोना के दूसरे लहर से लड़ रहे बिहार के लिए शुरुआती दौर बेहद चुनौती भरा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती रही है, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण इसकी किल्लत भी शुरू हो गई है। वहीं बिहार में ऑक्सीजन संकट को दूर करने में भारतीय वायुसेना भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। पटना एयरपोर्ट पर पिछले कई दिनों से एयरफोर्स के विमान से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह आने का सिलसिला जारी है। विदेशों से भेजे जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों को बिहार तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वायुसेना के विमानों का सहारा लिया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार सुबह पटना एयरपोर्ट पर वायुसेना के AN-32 विमान से 265 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। कोरोना के दौरान बिहार लौटे प्रवासी व स्थानीय कामगारों को विशेष अनुदान का लाभ दिलाने का प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर क्वारंटाइन सेंटर और सामुदायिक रसोई में रहने एवं खाने वालों का निबंधन होगा। इस संबंध में विभाग ने अधिकारियों को प्रखंड स्तर पर ऑफलाइन निबंधन करने का निर्देश दिया है। पिछले साल प्रवासी मजदूरों को निबंधन ऑनलाइन किया गया था, लेकिन इस बार यह ऑफलाइन किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले हर मजदूर का स्क्रीनिंग भी हो सके। वहीं काम दिलाने के लिए गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी श्रमिकों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आराम से मिल सके। विभाग की ओर से श्रमिकों के लिए लगभग 22 से अधिक योजनाएं हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है और वह योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का निबंधन करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण के संकट से जूझ रहे बिहार को अब बाढ़ की चिंता भी घेरने लगी है। कोरोना वायरस के इस दूसरे दौर में एक तरफ जहां सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रमुखता से देख रही है और बिहारवासी संक्रमण से बचाव व इलाज की ओर लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों के लोगों को हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ की चिंता सताने लगी है। संभावित बाढ़ को लेकर CM नीतीश कुमार के दिए आदेश के बाद अब PHED विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। विभाग ने 26 जिलों को चिन्हित कर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर पहले की से ही तैयारी करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार PHED विभाग के सचिव ने जिलों के अभियंताओं को यह निर्देशित किया है कि संभावित बाढ़ क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय और स्वच्छता आदि की व्यवस्था पहले से कर ले। बाढ़ की स्थिति में राहत शिविर लगाए जाने वाले स्थानों पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है उसकी व्यवस्था भी पहले से ही कर लें। कोरोना वायरस की मौजूदा दूसरी लहर युवाओं पर तेजी से वार कर रही है, वहीं तीसरी लहर में भी बच्चों पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पटना सहित पूरे बिहार के करीब
12 करोड़ से अधिक चिन्हित आबादी में 18 से कम आयु वर्ग के करीब 3.5 करोड़ बच्चे और किशोर हैं। राहत की बात यह है कि इस आबादी पर पहली और दूसरी लहर के दौरान असर कम रहा है। इस साल मार्च से अब तक आए करीब 8 लाख संक्रमितों में से 0 से 14 वर्ष आयु के 2.7% यानी कि 25,000 संक्रमित हुए हैं। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून 12 जून को दस्तक दे सकता है। एक तरह से यह अपने सामान्य समय पर होगा। पूर्वी बिहार से बिहार में प्रवेश करने के साथ यह पूरे प्रदेश में फैलेगा। IMD ने मानसून के संबंध में यह एक पूर्वानुमान शुक्रवार को जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पिछले साल मानसून को 5 जून के आसपास बिहार में ऑन सेट होना था, लेकिन वह 12 जून के आसपास बिहार में आया था। बिहार के लिए यह एक अच्छी सूचना है कि इस बार मानसून समय पर दस्तक देगा। IMD की जानकारी के मुताबिक इस बार केरल में मानसून 31 मई को दस्तक देगा। कम से कम एक दिन पहले या 4 दिन देरी से इसकी दस्तक संभव है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।